फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जिस पौधे के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उसे पिंक टिकोमा पिंक ट्रम्पेट वाइन बोलते हैं और ये बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि आपके साथ पेरिनियल प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और काफ़ी बंचेस में इसमें फ्लावरिंग होती है। आप देख ही सकते हो कि मेरे इस पौधे में कितने हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसी की केयर के बारे में कुछ टिप्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ टिप्स ऐसे दें कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं उनके पिंक टिकोमा में फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो इसीलिए आज का मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले आज मैं आपसे जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं आती है वो शेयर करूँगी। टिप नंबर वन ये है कि ये जो प्लांट है ये ऑरेंज वाला जो टिकोमा होता है उससे थोड़ा सा इसकी केयर डिफरेंट होती है। उसमें बहुत ज़्यादा आप प्रूनिंग नहीं करते हो तब भी आपको फ्लावरिंग देखने में मिल जाती है, बट इस पौधे की अगर बात करें तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे इसको प्रून करते रहना पड़ेगा। प्रूनिंग करने से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं और उसी में ही फ्लावरिंग आती है, और अगर आप इसको प्रून नहीं करते हो इसकी ब्रांचेस लैगी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लैगी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो उसमें फ्लावरिंग आपको देखने में कम मिलेगी और या तो फिर नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी आपको फ्लावरिंग देखने में नहीं मिलेगी। लैगी ब्रांचेस में फ्लावरिंग नहीं आती है इसके, या फिर आएगी तो बहुत ही कम आएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है इस पर्टिकुलर प्लांट के रेलिवेंस में। और दूसरा टिप ये है कि इसे फुल सनलाइट पसंद होती है, बहुत अच्छी वाली कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इसे कम से कम मिलनी चाहिए, और कोशिश करें कि आपके गार्डन का उस पार्ट में इसे रखें जहाँ पर पूरे दिन धूप आती हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और टिप नंबर 3 कि एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट होता है, इसे रेगुलर बेस पे आपको फर्टिलाइज भी करना पड़ता है। फर्टिलाइज़र आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे लिक्विड मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर इसे जो है हर आप 15-20 दिन के गैप पर एक बार इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें तो आपको प्लांट में ग्रोथ अच्छी देखने मिलेगी और फ्लावरिंग भी बढ़िया आएगी, और या फिर आप काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के इसे दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। सॉइल इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल भी होनी चाहिए। तो जब आप इसकी सॉइल बनाएं तो कम से कम इसमें 40% आप काउडंग या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड करें, और 60% में सॉइल और सैंड, इस तरीके से इसका पॉटिंग मिक्स बनेगा। साथ ही साथ स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र्स जैसे बोन मील, नीम की खली, DAP या जाइम फर्टिलाइज़र या सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये सारे ही आपके पास हो तो आप सारों को ऐड करना है आपको, जो भी आपके पास स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो वो आप ज़रूर ऐड करें। तो ये इस तरीके से इसकी सॉइल बनेगी, और जब भी क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट भी होता है बहुत जल्दी ये रूट बाउंड कंडीशन में आ जाता है, तो अगर आप ज़मीन में लगा रहे हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हो जैसे मोस्टली लोग आजकल टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं जैसे मैं भी कर रही हूँ, तो आप उस केस में इसे कम से कम 14 इंच के पॉट में ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है बहुत जल्दी रूट बाउंड कंडीशन में आ जाता है, तो इसके लिए बड़े साइज़ का पॉट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा पॉट रहेगा तो प्लांट की रूट्स अच्छे से डिवेलप हो पाएंगी, प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, और जितना भी इसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी उतनी अच्छी आपको फ्लावरिंग देखने में मिलेगी। तो ये तो हो गई इसकी सॉइल और पॉट के साइज़ की बात, अब बात कर लेते हैं कि इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। इस प्लांट को फ्रेंड्स हमेशा सॉइल में हल्का सा मॉइस्चर पसंद होता है, बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होना चाहिए, और लेकिन मॉइस्चर जो है मतलब हमेशा मेंटेन आपको रखना है, कम्प्लीटली ड्राई साइड पे नहीं होना चाहिए सॉइल, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ड्राई साइड पे जाएगी तो आपका प्लांट बहुत जल्दी मुरझा जाएगा, फ्लावर्स भी आपके जल्दी से मुरझा जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जब बहुत हॉट समर डेज होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फुल सनलाइट में भी रहता है, तो हमेशा मॉइस्चर हल्का सा सॉइल में बना के आपको रखना पड़ेगा। और इस प्लांट की अगर पेस्ट की अटैक की बात करें तो इसमें मीली बग्स का कभी कभी अटैक हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने में नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है,
तो उस केस में आप फर्स्टली तो आप अगर आपको थोड़ा बहुत अगर पेस्ट का अटैक दिखे तो आप प्रेशर से पानी से ही इसे वॉश कर दें जो भी अफेक्टेड एरिया है, और फिर भी आपको लगता है कि ज़्यादा है थोड़ा तो आप लिक्विड सोप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा अटैक आपको लगता है तो वो नहीं सही हो रहा तो फिर आप इमीडा क्लोप्रिड का भी स्प्रे कर सकते हो। और इस प्लांट की अगर प्रोपोगेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और बरसात के मौसम में आप इसकी कटिंग लगाएं बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि बरसात के मौसम में इसकी ब्रांचेस में फुटाव आने लगता है। तो आप सेमी हार्डवुड कटिंग भी ले सकते हो, हार्डवुड कटिंग भी ले सकते हो, दोनों तरीके की जो है कटिंग्स इसकी बहुत ही आसानी से लग जाती है, और क्योंकि ऑलरेडी ब्रांचेस में फुटाव होता है तो रूटिंग आने में बहुत जल्दी से इसमें रूटिंग आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट, हैप्पी गार्डनिंग।